नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर देते हैं सबसे पहले पंचांग। 2 अक्टूबर 2018 मंगलवार का आज दिन है, अष्टमी तिथि है और आर्द्रा आज नक्षत्र है। अब देखते हैं आज आपका दैनिक राशिफल क्या कहता है। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। वैसे तो कल भी आपका दिन और अच्छा है, उसमें आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन आज आपको अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होना चाहिए और वह काम करना चाहिए जो दूसरे लोगों ने आपके ऊपर सौंपे हुए हैं। आज उसका आपको आप बखूबी करेंगे और उसमें आपकी तरक्की भी अच्छी होगी। आज आपका दिन अच्छा है, हनुमान जी का ध्यान करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत अच्छा है, धन की प्राप्ति होगी। वाणी दोष थोड़ा सा बन रहा है, थोड़ी सी चिड़ किसी पर हो सकती है, गुस्सा किसी के ऊपर उतर सकती है, तो आज थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, चिड़ थोड़ी सी ना हो इसका विशेष ध्यान रखें, काम थोड़ा सा कम करें बेहतर होगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए मीठे दूध का भोग भगवान को लगाएं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय उत्तम चल रहा है। वैसे तो आज आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें खुद ही अपने आप में परिवर्तन करेंगे, कुछ ना कुछ नया सोचेंगे, वह भी आपके लिए बेहतर होगा। और आज जो भी काम करने जा रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए आप अपने घर की कुल देवी का ध्यान करें या उनको चरण स्पर्श करके घर से बाहर जाएं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज एक एक करके काम संपन्न करने चाहिए। जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है, थोड़ा सा तनाव आपको अधिक बना रह सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के अभी 2 दिन आपके और बचे हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, अच्छी सफलताएं मिलेंगी, थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा दें बेहतर होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए थोड़ा सा योग प्राणायाम ध्यान जरूर करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को आज अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए। दिन तो आपके बहुत अच्छे हैं, लाभ भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण थोड़ा सा परेशान या विचलित हो रहे हैं, उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए गुलाब का पुष्प किसी भी भगवान को समर्पित करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य बढ़ रहा है। हालांकि जो काम आप कर रहे हैं उसमें लंबे नुकसान की गुंजाइश भी दिख रही है, यदि आप लापरवाही करते हैं तब तो थोड़ा सा लापरवाही से दूर रहें। हालांकि भाग्य साथ में इसलिए नुकसान नहीं होगा, परंतु भाग्य को बढ़ाने के लिए ईमानदारी और मेहनत की आवश्यकता होती है, उसको आप बढ़ाएं, लाभ अच्छे मिलेंगे। आज के दिन के लाभ को और बढ़ाने के लिए एक रोटी गाय को अवश्य दें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, पेट के रोग कुछ उभर सकते हैं, तनाव थोड़ा सा हो सकता है। आज अकेले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिन जिन लोगों को आप काम सौंपेंगे वह चाहे जानबूझकर चाहे फुर्सत ना मिल पाने कारण आपकी बात की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन उसको आप तवज्जो ना दें, वर्तमान समय को आप अकेले ही एंजॉय करें बेहतर होगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने भगवान को घर की मिठाई अवश्य चढ़ाएं। धनु राशि वाले व्यक्तियों का अच्छा दिन है, पारिवारिक संतोष का दिन है, कुछ राहत भरी खबर भी सुनने को मिलेगी। वैसे जो काम आप कर रहे हैं उस काम में उतनी मेहनत नहीं करें जितनी कि आपको दिख रही है, थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालें, आज दिन आपका बहुत बेहतर होगा। आज के दिन के उत्तम लाभ के लिए मीठे दूध का सेवन करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। वैसे मुझे लग रहा है आज आपकी राशि ही सबसे अच्छी राशि है, कहीं कोई दुविधा नहीं है, सब सुविधाएं चल रही हैं, मित्रों का सहयोग है, धन की कमी नहीं है, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज मिठाई भगवान के मंदिर में चढ़ाकर सभी जगह प्रसाद बांटें अच्छा है। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का भी 2 दिन का इंतजार करना होगा मनवांछित सफलताओं के लिए। आज आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन किसी के बहकावे में आकर अपनी योजनाओं को परिवर्तित ना करें। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए महाकाल की आराधना करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, विशेष रूप से विद्यार्थी आज लाभान्वित हो सकते हैं, कुछ नया करना है, कुछ सीखना है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आज किसी व्यक्ति को लेक्चर ना दें या किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन ना दें, अन्यथा वह मार्गदर्शन आपके ऊपर ही भारी पड़ सकता है। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए किसी भी देव स्थान की परिक्रमा करें। दर्शक हमें मेल प्राप्त हुआ है अनिल जी का। अनिल जी, आपने जानना चाहा है कि मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ और उस व्यवसाय का नाम आपने पूछा है, नाम क्या रखें। एन अक्षर आपके लिए बहुत ही फलित शब्द है, उस शब्द से यदि आप अपनी कंपनी का नाम रखते हैं निश्चित रूप से अच्छी सफलताएं मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
लेकिन अभी जो समय चल रहा है इस समय के अनुसार आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी होगी और जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उस व्यवसाय को अपने क्षेत्र से उत्तर और पश्चिम दिशा में फैलाएं, क्योंकि एक वर्ष तक उत्तर और पश्चिम दिशा आपके लिए फलित है, तो वहाँ पर आपका व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और उसके बाद 2019 में नवंबर के बाद आप कहीं भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से फैलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। आपके व्यवसाय में और अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हो उसके लिए शुक्रवार के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाएं, गुड़ और चने का वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं, उसको प्रसाद चढ़ाने से उत्तम फल भी मिलेंगे, आपकी तरक्की भी होगी और जो लोग जिनके थ्रू आप काम करना चाहते हैं वह भी आपसे ईमानदारी के साथ जुड़ रहेंगे। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखें, आपकी पत्रिका में राहु शनि सूर्य तीनों ग्रहों का बहुत अच्छा योग है, ऐसे व्यक्ति को बेईमानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए चाहे किसी भी परिस्थिति में घूम रहा हो। ईमानदारी आप जितनी रखेंगे तरक्की आपकी उससे कई गुना अधिक होगी। 2019 में अक्टूबर के बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तो थोड़ा सा ईमानदारी को अपनाएं, बेहतर परिणाम मिलेंगे। एन अक्षर से नाम रखें, आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी। सुख सुविधाओं को यदि आपको देखना है तो उत्तर और पश्चिम दिशा में देखें, वहाँ उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। आज महालक्ष्मी व्रत है। मित्रों आपने देखा होगा कि आपको जो तनख्वाह मिलती है 15 तारीख के बाद ही समाप्त हो जाती है, या जो भी आपने कमाया पूरे महीने तक नहीं चल पाता है, कई बार उधारी भी लेनी पड़ जाती है। यदि ऐसी परिस्थिति आपके साथ चल रही है तो थोड़ा सा आपको दो काम करने होंगे। एक काम तो महालक्ष्मी व्रत आज से प्रारंभ हो रहे हैं, लक्ष्मी जी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करें। लक्ष्मी जी सदैव ही पुरुषार्थियों के पास आती है, तो पुरुषार्थ करना नहीं भूलें, क्योंकि घर बैठे लक्ष्मी नहीं आएगी, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना लाभ मिलेगा। मेहनत का प्रॉपर लाभ नहीं मिलता है तब श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, उससे आपको पारिश्रमिक सही समय पर सही मिलता है और आपका महीना चल जाता है। तो आप इस उपाय को आज से करना शुरू करें, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। मित्रों एक तो थकावट होती है हमें बहुत सारे काम करने से, और एक काम के ऊब जाने के कारण थकावट होती है। आपको अपने मन का कोई भी काम दे दिया जाए तो आप प्रसन्नता के साथ उस कार्य को बीमारी की दशा में भी कर डालेंगे, क्योंकि आपका मन उसमें लग रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी काम हमें दिया जाए उस काम को हम समझें और प्रयास करें कि उसमें मन लगना शुरू हो जाए। मन लगाकर यदि कोई काम करेंगे तो काम के परिणाम सार्थक होंगे, आपको थकान भी नहीं होगी और बीमारी आपसे कोसों दूर भागती रहेगी। मित्रों आज इतना ही। यदि आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है astrologywithacharyarajesh@gmail.com। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, कल पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe our YouTube channel and all notifications on your mail. Press the bell icon on YouTube app and never miss any update.